लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा ने आज नवीमुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और नवीमुंबई की विविध नागरी समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पार्किंग समस्या के समाधान, तुर्बे स्लम इलाके में नए अस्पताल का निर्माण, डंपिंग ग्राउंड में शमशान और दफन भूमि, कामगारों के लिए वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर गंभीर पहल करने की मांग की। उनके साथ नेता विपक्ष विजय चौगले, उपजिला प्रमुख मिलिंद सूरीराव, विजय माने समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना उपनेता और पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के चेयरमैन विजय नाहटा ने आज नवीमुंबई के विविध मुद्दों को लेकर एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और उनके समाधान के लिए चर्चा की। इस दौरान शिवसेना नेता विजय चौगले, उपजिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव, विजय माने और शिवराम पाटिल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। उपनेता विजय नाहटा ने पार्किंग की समस्या, नए DCPR का जल्द प्रकाशन, सामाजिक उपयोगों के भूखंडों का हस्तांतरण, दवाओं का छिड़काव करने वाले मनपा कर्मियों का त्वरित वैक्सीनेशन जैसे तमाम मुद्दों और नागरी समस्याओं के समाधान की मांग की। वहीं उन्होंने तुर्बे स्लम इलाके में जिला परिषद की जमीन पर नया हॉस्पिटल बनाने और डंपिंग ग्राउंड में शमशान और दफन भूमि का इंतजाम करने पर भी जोर दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज ज्या विषयांवर चर्चा झाली त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने तुर्बे इथं एक हॉस्पिटल बांधणं गरजेचं आहे झोपडपट्टीमध्ये, आणि जिल्हा परिषदची त्या ठिकाणी जागा आहे, ती जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी मोठं हॉस्पिटल बांधण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी जिल्हा परिषदेची संपर्क केलेला आहे आणि त्याची जी काही रक्कम असेल ती भरून ती जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी हॉस्पिटल बांधू। स्मशानभूमी नाही आणि त्यामुळे त्याला तुर्ब्यापर्यंत जावं लागतं, तर त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी स्मशानभूमी करण्यासाठी लँडफिल साईडचा एक कोपरा कुठेतरी जागा द्यावी अशा प्रकारची विनंती त्यांना केलेली आहे आणि पाहणी करून त्याच्यावर निर्णय घेऊ अशा प्रकारचं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। आयुक्त से चर्चा के दौरान नवीमुंबई की मुसीबत बनी पार्किंग समस्या सबसे अधिक सुर्खियों में रही। विजय नाहटा ने इसके लिए मास्टर प्लान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए DCPR में सड़कों और सोसाइटियों में पार्किंग को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं तमाम ऐसे प्लॉट हैं जो आरक्षित हैं। शिवसेना उपनेता ने ऐसे भूखंडों की बिक्री से पहले सीटकों से हस्तांतरित कराने का भी सुझाव दिया। पार्किंग च्या सर्व शहरामधली जी समस्या है त्याच्यावर खूप सविस्तर चर्चा झाली आणि शहरामध्ये मल्टी स्टोरीड पार्किंग करणं किंवा मोठे कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये पार्किंग करणं, जे सीटकोचे प्लॉट विकायला निघालेले आहेत आणि जिथे पार्किंग करणं शक्य आहे ते प्लॉट ऑक्शन न करता पार्किंगसाठी वापरणं, अशा विविध मार्ग त्यांना आम्ही सुचवलेले आहेत आणि पार्किंग हा या शहरामधला सगळ्यात मोठा विषय असल्यामुळं त्याच्यावर ते मास्टर प्लॅन तयार करतायत, सिडकोशी बोलतायत आणि कुठे कुठे मल्टी स्टोरीड पार्किंग, कुठे कुठे अंडरग्राउंड पार्किंग करता येईल त्या जागा निश्चित करून मोठ्या प्रमाणावर पार्किंगची समस्या सोडवण्याचा निर्णय चर्चा तरी या ठिकाणी आम्ही केलेली आहे। DPचा जो विषय आहे DP पब्लिश झालेला नाही, त्याच्या बाबतीमध्ये सिडकोची रिझर्वेशन काही ऑप्शनला सिडकोने काढलेले प्लॉट आहे त्या अनुषंगाने चर्चा झाली आणि DP लवकरात लवकर पब्लिश करून लोकांचं काय म्हणणं आहे ते ताबडतोब घ्या अशा प्रकारची विनंती आम्ही त्यांना केली आणि त्यांनी ती मान्य केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।